हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ नर्सरी विजिट। लास्ट दिनों फ्रेंड्स मैं दो नर्सरियों में गई थी। उनमें से जब मैं पहली नर्सरी में गई तब देखिए उस नर्सरी में एक साइड का व्यू पे फ्रेंड्स इतने ज़्यादा घने प्लांट हो रहे थे। बरसात पड़ने के साथ साथ तो हर जगह हरियाली ही हरियाली बन जाती है, तो इस टाइम पर नर्सरियाँ भी किसी जंगल से कम नहीं लग रही हैं। तो इनमें आप देख सकते हैं वीडियो में कि भंवरे तितलियाँ बहुत मज़े से खेल रहे हैं इन प्लांट्स पे। तो फ्रेंड्स ये भी एंजॉय कर रहे हैं इस मौसम को, तो क्यों ना हम भी इस मौसम का फ़ायदा उठा लिया जाए और चलें हम नर्सरी। और मैं गई थी नर्सरी फ्रेंड्स, आप भी जाइए, क्योंकि इस टाइम पे प्लांट्स लेने का फ़ायदा ये है कि वो आसानी से हम हमारे घर में लाएंगे तो ग्रो करेगा, प्लस अपने प्लांटर में या फिर ज़मीन में लगाएंगे उस प्लांट को तो सेट ज़रूर से हो जाएगा। और आप भी लीजिए। तो देखिए इस नर्सरी में नागचंपा, जेड्रोफा, एक्सोरा, तो फ्रेंड्स जैसे कि गुड़हल हुआ, मधुमालती की बेल हुई, ये सारे ही प्लांट काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग कर रहे थे और काफ़ी हेल्दी थे। तो इस मौसम में नर्सरी जाने का यही फ़ायदा है कि हमारे घर में जो प्लांट नहीं है हम लाएंगे तो आसानी से सेट हो जाएगा, प्लस हेल्दी प्लांट बन जाएगा आने वाले टाइम में हमारे घर में आकर। तो देखिए इस नर्सरी में गेट कितना सुंदर बनाया हुआ है प्लांट के थ्रू, बेल के थ्रू। तो फ्रेंड्स ये नर्सरी थी मेरे घर के पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं थी, लेकिन इसमें प्लांट काफ़ी कॉस्टली थे। तो मैं गई एक दूसरी नर्सरी में, और फ्रेंड्स जब मैं दूसरी नर्सरी में पहुंची तो ये कोई जंगल से कम नहीं थी, एक फॉरेस्ट ही लग रहा था। प्लस बारिश के कारण इतना ज़्यादा घने प्लांट हो रहे थे कि जगह जगह घास और कीचड़ हो रहा था इस नर्सरी में। अगर मैं इस नर्सरी में सुबह से शाम तक घूमती तो कम से कम मेरी 5-6 घंटे की वीडियो बन जाती, इतने ज़्यादा पोर्शन थे इस नर्सरी में, प्लस प्लांट की वैरायटी थी। तो बने रहिए मेरी इस वीडियो में, दिखाती हूँ आपको प्लांट की वैरायटी इस नर्सरी की। तो फ्रेंड्स देखिए इस नर्सरी में जो शेमी शेड में चलने वाले प्लांट हैं, जो इंडोर प्लांट हैं, चाहे वो हैंगिंग बास्केट में लगे हों चाहे वो गमले में लगाने वाले हों, और खूब अच्छी ग्रोथ में थे। और आप मानेंगे नहीं फ्रेंड्स, ये इतनी बड़ी नर्सरी थी, इसके इतने पोर्शन थे कि मैं वीडियो बनाती बनाती थक गई, और फिर भी वीडियो मैंने जल्दी जल्दी ही कैप्चर किया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। तो फ्रेंड्स इस नर्सरी में मैं गई तो प्लांट की काफ़ी अच्छी वैरायटी थी इधर, चाहे वो हैंगिंग बास्केट वाली हो, आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, और कितनी हेल्दी पोजीशन में। और ये इंडोर प्लांट्स जो हैं जैसे कि सिंगोनियम है, मनी प्लांट पोथोस है, फिर क्रोटोन की वैराइटियाज हैं। क्रोटोन की वैराइटी यहाँ पे 150 में थी फ्रेंड्स, 150 की क्रोटोन दे रहे थे ये लोग। प्लस फ्रेंड्स जो हैंगिंग बास्केट में प्लांट लगे थे, चाहे वो मनी प्लांट हो या ट्रेंगल हार्ट हो या अदर कोई वैरायटी दूसरी हो प्लांट्स की, तो वो 250 की थी। तो प्राइस तो वही थी, ये बिल्कुल कम नहीं ले रहे थे प्राइस। और देखिए यहाँ पे एग्लोनमा की काफ़ी अच्छी वैरायटियाँ थी और काफ़ी हेल्दी पोजिशन में थे ये प्लांट फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स एग्लोनमा जो पॉट में लगे थे ये तो 200 के थे, और जो ड्रेशिना की वैरायटी थी वो 50 रुपीज़ की थी इस नर्सरी में, और क्रोटोन की तो मैंने बता ही दिया है, 150 का क्रोटोन था, चाहे वो आप बड़े पत्तों वाला ले लो या छोटे पत्तों वाला। तो इस तरह से काफ़ी अच्छी पोजीशन में थे इस नर्सरी के प्लांट, लेकिन फ्रेंड्स बारिश आने के कारण नर्सरी में काफ़ी कीचड़ वगैरह हो रहा था, काफ़ी घास फूस हो रहा था, ताकि डीपली अगर हम वीडियो बनाते तो कुछ जानवरों का भी डर लग रहा था मुझे, तो इसलिए मैंने डीपली तो वीडियो बनाई नहीं, लेकिन आपको दिखाने के लिए कि बहुत अच्छी पोजीशन में इन नर्सरी में इस टाइम पे प्लांट्स आए हुए हैं, और आप जाके खरीदी करके आइए इन प्लांट्स की, काफ़ी हेल्दी पोजीशन में मिलेंगे आपको और आपके घर में आके भी काफ़ी हेल्दी ग्रोथ कर लेंगे ये प्लांट जो। तो फ्रेंड्स ये था शेमी शेड में चलने वाले प्लांट का कलेक्शन, जिनको कम पानी की कम धूप की ज़रूरत होती है, इंडोर प्लांट्स कह सकते हैं हम इनको, काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ है, तो जाके ज़रूर लाइए, इस मौसम का फ़ायदा उठाइए आप भी।
तो फ्रेंड्स देखिए, इस पोर्शन से मैंने एक प्लांट की खरीदारी की है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आपको वो प्लांट भी दिखा देती हूँ जो कि कटिंग से इजीली ग्रो हो जाता है और शेमी शेड का प्लांट है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने ड्रेशिना की ये वैरायटी ली है। वैसे ड्रेशिना की वैरायटीज कटिंग से इजीली ग्रो हो जाती हैं और ये प्लांट मैंने 50 रुपीज़ का लिया है फ्रेंड्स। तो देखिए, रबर प्लांट वगैरह की भी काफ़ी अच्छी वैरायटी थी इस नर्सरी में। तो फ्रेंड्स, मन तो कर रहा था सारे ही प्लांट ले लूं जो मेरे पास में नहीं है और काफ़ी अच्छे हेल्दी पोजीशन में थे। तो आपको आइडिया आ गया होगा, तो फ्रेंड्स आप भी ज़रूर जाएं और ज़रूर से लाएं नर्सरी से ये इंडोर प्लांट। तो अब मैं आ गई हूँ आउटडोर प्लांट की ओर। तो फ्रेंड्स, ये आउटडोर प्लांट का कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा था इस नर्सरी में फ्रेंड्स, और हर एक प्लांट में फ्लावरिंग इतनी अच्छी हो रही थी कि आउटडोर प्लांट जो मेरे घर में नहीं है वो मेरी इच्छा कर रही थी कि मैं लेके जाऊं। लेकिन मैं एक बार में एक दो प्लांट ही ले जा सकती हूं क्योंकि फ्रेंड्स मेरे पास में बाइक पे ही मैं मेरे हस्बैंड के साथ नर्सरी जाती हूं और दो या तीन प्लांट से मैं ज़्यादा रख नहीं पाती हूँ बाइक पे। तो मैंने यहाँ से एक ड्रेशिना की वैरायटी ली प्लस मैंने एक आलमंडा की वैरायटी ली। आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत फ्लावर आ रहे हैं इस आलमंडा के प्लांट पर। और फ्रेंड्स, आप भी ज़रूर लाएं ये आउटडोर फ्लावरिंग प्लांट जो पूरे साल भर ही हमारे गार्डन में फ्लावरिंग करते रहते हैं और हमारे गार्डन को एक खूबसूरत लुक देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये नर्सरी इतनी ज़्यादा बड़ी थी और इसमें प्लांट का कलेक्शन, चाहे वो एक्सोरा का हो या इंडोर प्लांट हो या आउटडोर, और वेराइटी भी काफ़ी अच्छी थी। चाहे वो हर एक कलर में भी प्लांट थे, जैसे एक्सोरा में काफ़ी कलर्स आ जाते हैं फ्रेंड्स, आलमंडा में दो तीन कलर आ जाते हैं, और चाहे वो छोटी मिनिएचर वैरायटी हो या फिर वो लॉन्ग वैरायटी हो, तो फ्रेंड्स सभी में काफ़ी अच्छा कलेक्शन था इस नर्सरी में। तो फ्रेंड्स, आप भी जाइए और परमानेंट और सेमी शेड में चलने वाले प्लांट ले आइए अपने घर। तो परमानेंट प्लांट में बोगनविलिया की काफ़ी अच्छी वैरायटी मिलेगी आपको, चंपा की काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ मिलेंगी, एक्सोरा हुआ, गुड़हल हुआ, हर एक प्लांट्स की, परमानेंट प्लांट की अच्छी वैरायटीज़ आई हुई हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, ये प्लांट कितना खूबसूरत लग रहा है और काफ़ी कॉस्टली था ये, इस नर्सरी में काफ़ी कॉस्टली मिल रहा था। तो फ्रेंड्स, ये था एक आपको आइडिया देने के लिए नर्सरी विजिट बनाया मैंने। ज़रूर से जाइए नर्सरी और आप भी लाइए हेल्दी प्लांट नर्सरी से। काफ़ी वैरायटी आई हुई है नर्सरीज में आजकल, जबकि हर जगह वनस्पति खिल रही है, हरियाली ही हरियाली हो रही है। तो हम तो एंजॉय कर रहे हैं, साथ में हमारे जो नेचर के जो तितलियाँ हैं, भंवरे हैं, ये भी एंजॉय कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इस मौसम का फ़ायदा उठाइए। अगर आपने अभी तक अपने घर में गार्डनिंग की शुरुआत नहीं की है तो इस साल से, इस मौसम से, इस सावन से ज़रूर करें और जाएं नर्सरी। तो फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में। अगर आपको आज का मेरा ये नर्सरी विजिट थोड़ा सा भी पसंद आया होगा, अगर आप खुश हुए मेरे इस वीडियो देख के, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।